नेक्स्ट कॉलर हैं सुशीला जी मेरठ से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार, मुझे हकीम जी से बात करनी है। जी जी बताइए क्या सेवा। हाँ हकीम जी नमस्कार। आदाब। हेलो। जी जी बताइए। हाँ हकीम जी, मेरे को जो है ना पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है और एसिडिटी बनती है और मेरा पेट ऐसे खींचता है जैसे कोई अंदर से खींच रहा है। मेरा खाना खाने के बाद में मुझे जान नहीं आती और मैं ऐसी बेखुद मिर्गियों से हो जाती हूँ। पैर भी कांपने लगते हैं, जैसे सुबह को नाश्ता किया उसके बाद भी पैर मिर्गियों से हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँ डॉक्टर साहब, मेरी पिट्ठी फैली हुई निकली हुई है और मैं दवाई भी आपकी खा रही हूँ 3 साल से। कौन सी? मैंने मोरिंगा का घोल भी मंगा, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इतनी सारी दवाई मंगा रखी है लेकिन मुझे एक बढ़ के एक परेशानी हो जाती है और फिर मैं आपकी दवाई पूरी तरह से नहीं कर पाती। मैं बड़ी परेशान हूँ। मैंने मोरिंगा का भी मंगा रखा है और उसका भी दूसरे वाला भी मैंने किया भी मंगा रखा है, टी केयर भी मंगा रखी है, एक्स केयर भी। मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, ठीक हो जाता है फिर बढ़ जाता है। मेरी एज है 61। ठीक है, सारी तो आप दवाइयाँ करती हैं। और देखिए दरअसल आपको, आपके जो बयान से मुझे पता चला कि आपकी आंतों में प्रॉब्लम है और ये 2-3 तरीके हैं इनको अच्छा करने के। जो दवाइयाँ खाना है वो तो खाइए आप, लेकिन देखिए इन्फेक्शन आंतों में रहता है, जिसके भी आंतें ऐसी अकड़ सी जाती हैं उसके आंतों में इन्फेक्शन रहता है, तो इन्फेक्शन का इलाज ज़रूर करें। और ये जो एक तेल आता है मेडिकल स्टोर पर मिलता है उसे कहते हैं अरंडी का तेल, गांव की ज़बान में अरंडी का तेल और इंग्लिश में कैस्ट्रॉल ऑयल, कैस्ट्रॉल ऑयल ये 1 चम्मच पिया करें दिन में 1 बार या बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो 2 बार। इसको पीने के बाद गर्म पानी पिएं और दिन में 5 बार गर्म पानी पिएं तो एकदम राहत हो जाएगी, जैसे शांति हो गई, जो पेट में गैस बनती है और वगैरह वगैरह तो उसी वक्त शांति होने लगती है और गैस खूब पास होगी। और फिर आप इसका जो भी ट्रीटमेंट करते रहें लेकिन ये ज़रूर करें, आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा शुरू हो गया।